हेलो फ्रेंड्स, तो आज की तारीख में दुनिया भर के न्यूज चैनलों की मेन हेडलाइंस में इंडिया का जिक्र तो जरूर ही हुआ होगा फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि G20 के देश और अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स इंडिया आए हुए हैं फ्रेंड्स, और उन सभी में से एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई है, जो हमारी तरह सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और वो हैं इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष ऋषि सुनक। तो फ्रेंड्स, आइए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। फ्रेंड्स, 80 के दशक में भारत के पंजाब से रहने वाले यशवीर सुनक और उनकी पत्नी उषा सुनक व्यापार करने के लिए इंग्लैंड चले गए, और उन्हीं के घर में 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, ऋषि सुनक की पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, फिर बाद में वे कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गए, और फिर उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पार्टी में एक अच्छी खासी मजबूत जगह बना ली। फ्रेंड्स, ऋषि सुनक 2020 से 2022 तक ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर भी रहे, और फिर 2022 को उन्हें इंग्लैंड में 180 से अधिक सांसदों का सपोर्ट मिला, और 28 अक्टूबर 2022 को वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। फ्रेंड्स, अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। तो उनकी शादी इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के साथ हुई है। फ्रेंड्स, ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति दोनों की मुलाकात जो है पढ़ाई के दौरान हुई थी, और फिर आगे चलकर उन दोनों ने शादी कर ली। अब उनकी दो बेटियां हैं,